हरे कृष्णा, गोविंदास क्यूजिन में दिवाली रेसिपी के साथ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दिवाली और गोवर्धन पूजा के दिन हम ठाकुर जी को विविध प्रकार के व्यंजन भोग लगाते हैं। दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा मनाई जाती है और उस दिन ठाकुर जी को अन्नकूट का भोग लगाया जाता है। दीपावली यानी कि जब भगवान श्री राम विजयी होकर अयोध्या वापस लौटे थे, तब लोगों ने दिए जलाए थे और उनका स्वागत किया था। इसी त्यौहार को नज़र रखते हुए आज हम बनाने जा रहे हैं नारियल और रवा के लड्डू, जो बनाना बहुत ही आसान है। कभी कभी जब हम रवा के लड्डू बनाते हैं तो बहुत ही हार्ड हो जाता है या फिर ज़्यादा नरम हो जाता है। आज हम परफेक्ट टिप्स के साथ ये लड्डू सीखेंगे, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए हमें सामग्री में चाहिए, यहाँ पर 2 कप जितना बारीक रवा लिया है। अगर मोटा वाला है तो मिक्सी में एक बार चला लेंगे। दूसरी तरफ लिया है हमने ग्रेटेड कोकोनट, नारियल लिया है, ताज़ा वाला ही नारियल का इस्तेमाल करना है और उसका वाइट पार्ट ही लेना है। 8 से 10 केसर के रेसे को हमने 3/4 कप जितने गर्म दूध में 1 घंटे के लिए सोख करके रख दिया है। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक पैन गरम कर लेंगे, उसमें डालेंगे 2 कप जितनी बारीक सूजी और इसे हमें रोस्ट कर लेना है। धीमी आंच पर ही रोस्ट करेंगे। इस रेसिपी में हमने जो भी इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया है उसके मेजरमेंट्स के साथ हमने उसका लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां पर चेक कर सकते हैं। रवा जो है हल्का सा भून गया है, अब इसमें हमें थोड़ा थोड़ा घी डालकर इसे भूनना है। हम हलवा नहीं बना रहे हैं, लड्डू बना रहे हैं, तो इसमें हमें ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके हम ऐड कर रहे हैं। और थोड़ा घी डालेंगे और रवा को अच्छे से धीमी आंच पर भूनना है, उसमें बिल्कुल भी कच्चापन नहीं रहना चाहिए। रवा को भूनने के लिए यहाँ पर हमने 1/4 कप जितना घी का इस्तेमाल किया है। 7 से 8 मिनट में रवा अच्छे से भून चुका है। अब हमने जो नारियल का बुरादा तैयार किया था 3 कप जितना वह डालेंगे। सब मिक्स करके नारियल में जो गीलापन रहता है वह पूरा चला जाए तब तक इसे अच्छे से रोस्ट करना है। डेसिकेटेड कोकोनट का इस्तेमाल नहीं करना है, ताज़ा नारियल लेंगे तो उसका स्वाद दुगना बढ़ जाएगा। इस तरह से रोस्ट करके बनाने से लड्डू जो है वह ज़्यादा दिन तक हम स्टोर करके रख सकते हैं। 5 से 7 मिनट हो गई है, दोनों ही अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। केसर वाला दूध 3/4 कप जो हमने तैयार किया था वह मिलाएंगे। सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लेंगे, धीमी आंच पर ही इसे मिक्स करना है। अगर यह सभी प्रसाद की रेसिपीज अगर आप इंग्लिश या गुजराती में देखना चाहते हैं तो दोनों ही चैनल की लिंक्स हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। अब यह मिक्स हो चुका है, स्टोव को बंद कर देंगे और पैन को हम साइड में रख देंगे। इसके लिए चाशनी बना लेते हैं। 1.5 कप जितनी चीनी ली है उसमें 1/2 कप जितना पानी मिलाएंगे। चीनी को पानी में घुलने देना है। इसमें हमने थोड़ा ही पानी का इस्तेमाल किया है तो यह चाशनी जो है वह जल्दी से बनकर तैयार हो जाएगी। लगातार चलाते रहेंगे। चीनी जो है वह पानी में घुल गई है, अब हमें इसे 3 मिनट तक इसी तरह से चलाते रहना है। 1 तार की हमें चाशनी तैयार करनी है। 3 मिनट हो गई है, आइए चाशनी को चेक कर लेते हैं। इस तरह से चम्मच में ले लेंगे और
चाशनी को चम्मच में आधी मिनट तक ठंडा करने के बाद ही चेक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक तार की चाशनी तैयार हो गई है, एक तार बन रहा है। अब तुरंत ही रवा और नारियल का जो मिक्सचर था वह इसमें डाल देंगे। एक चम्मच जितना इलायची का पाउडर मिलाएंगे। सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हमें ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हमें मिक्स करना है। सब कुछ मिक्स हो चुका है। अब स्टोव को बंद कर देंगे और पैन को नीचे उतार देंगे। लड्डू के मिश्रण को हमें थोड़ा ठंडे होने देना है, तो 10 से 15 मिनट के लिए ठंडा कर लेंगे। लड्डू को गार्निश करने के लिए यहाँ पर थोड़े से क्रश्ड पिस्ता ले लिए हैं। 15 मिनट के बाद हम लड्डू को इस तरह से मीडियम साइज़ के लड्डू बनाएंगे। मिश्रण अभी भी गर्म लग रहा है तो थोड़ा ठंडा कर लीजिए। बहुत ही आसानी से लड्डू बन जाते हैं। अभी थोड़े सॉफ्ट लग रहे हैं मगर बाद में अच्छे से सेट हो जाएंगे। गार्निश कर लेंगे। इसी तरह से सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लेते हैं। लड्डू बनकर बिल्कुल तैयार है, सर्व करेंगे। इस रवा और नारियल के लड्डू को आप बाहर रूम टेम्परेचर पर 10 दिन तक स्टोर कर सकते हो और रेफ्रिजरेटर में 20 दिन तक। इस लड्डू को आप कोई भी त्यौहार में बनाकर प्रसाद वितरण में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तुलसी पत्र पत्राकर ठाकुर जी को भोग अर्पण करेंगे। ठाकुर जी को भोग लगा दिया गया है। रेसिपी पसंद आई है तो बनाकर ठाकुर जी को भोग अर्पण कीजिए और प्रसाद के रूप में ग्रहण कीजिए। अगर आपको प्रसाद की रेसिपीज अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में दिए गए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि प्रसाद की रेसिपीज आपको मिलती रहे। चलिए सब मिलकर जपते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।